खुद ही बड़े हो जाएंगे। तब फिर आपको किसी का पकड़ेगा नहीं, किसी का कुछ नहीं, कोई कहीं पर भी कुछ हो आप जाइएगा, आप देखिएगा कुछ नहीं, जो जहाँ पहुँचे वहीं सब भाग रहे हैं, वहाँ खुद ही वो टिकने नहीं वाले। इतनी समर्थता जिस दिन आ जाए उस दिन ये प्रश्न हमेशा के लिए पूछ। लेकिन जैसा मैंने उसके लिए कहा था कि उसके दो ही तरीके हैं, एक तो अंदर का मेडिटेशन और एक बाहर का दिन। अब अपने आप से हाथ से चीज जा रही है। पहले तो कहते हैं कि भाई अच्छा कर्म करो, अच्छा करो बुरा करो, अच्छा और बुरा ये भी मनुष्य का विचार होगा। जब कर्म अकर्म हो जाए, माने कर्म की भावना ही नहीं रहे कि हम कर्म कर रहे हैं, जैसे सूर्य की रोशनी है वो कौन सा कर्म कर रहा है, वो अकर्म में है लेकिन कर्म तो हो रहा है उसका। जिस वक्त में पूरी तरह से अकर्मता आ जाए, माने हाथ में से चीज बह रही है और हो रहा है, तो जो कुछ भी अपने अंदर कर्म पहले के इकट्ठे हुए हैं, जिसको कहते हैं कि कर्म फल आपको भोगना पड़ेगा। बहुत से लोग बीमार आते हैं, माता जी हमारे कर्म के फल है, आप क्या ले लीजिएगा। हमने कहाँ ले लें, कोई चिंता की बात नहीं, गंगा जी में आए तो धुल जाना ही चाहिए सब चीज़। तो अगर आपके कर्मों के फल आपके हाथ पैर अगर दुख रहे हैं या कुछ आपको बीमारी हो गई, कुछ तकलीफ हो गई, तो ऐसी कोई बात नहीं, वो तो हम ले ही सकते। लेकिन आपके कर्म शरीर से उठ करके मन में चले गए, अब मन में के कर्म कैसे निकलेंगे, वो तो यहाँ से भाग खड़े हुए माता जी की वजह से क्या शरीर ठीक हो, लेकिन अब मन के अंदर वो कर्म बैठे हुए हैं। आप पार भी हो गए तो भी अभी ये गंदगी निकलेगी कैसे। इसलिए यही कर्म जब आप करते रहेंगे तो अकर्म में ये सब बह जाए, और जितना आप इस जन्म में कर डालेंगे उतना ही कर्म धीरे धीरे जब कर्म करते जाइएगा इस तरह से निकलते जाइएगा, आपके अंदर की पूरी सफाई हो जाने के बाद अंदर में वही सम्यक भाव जिसमें रुचि अरुचि आदि कुछ भी नहीं रहेगा। आप बैठे हैं बैठे हैं, खाने को मिल गया खा लिया, नहीं मिला तो नहीं, कोई भी आप काम करें, आप एग्जीक्यूटिव हैं, आप कुछ भी दुनिया भर की चीज़ है, आप अपना उसी का काम कर रहे हैं जो परमात्मा का, आप खुद का कोई काम नहीं कर, उसी का काम आपके हाथ से हो रहा है और आपको पता नहीं चला। जैसे सूर्य है वो अपनी रोशनी दे रहा है, चंद्रमा जो है वो सूर्य की रोशनी अपने अंदर लौटा रहा है, ये समुद्र है इसको ये चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं, अपने अंदर से बादल भेज रहे हैं, इनके सब कर्म हो रहे हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं सोचता है कि हम कुछ कर रहे हैं। पेड़ हैं, पेड़ों में से फल निकलते हैं, फलों में से बीज निकलते हैं, फिर उसमें से पेड़ निकलते हैं, कितने बड़े कार्य में लोग सवलग्न हैं, लेकिन इनको किसी को लगता नहीं कि हम कुछ कर, सब आराम से चला हुआ। सिर्फ मनुष्य में ही प्रश्न हो गया है, वो लोग तो सब हारमोनी में है, हम लोगों में प्रश्न हो गया है, क्योंकि मनुष्य के अंदर परमात्मा ने ही खास कर यह अहंकार का वरदान दिया कि जिससे हम उसे जाने। लेकिन अहंकार को मारने से मरता नहीं, ये हम लोगों ने देखा हुआ, इसलिए वो अपने आप जैसा छूट जाए वही तरीका सहज योग का है, वो अपने आप छूट जाता है वो भी आपने देखा। लेकिन करना क्या चाहिए कि अपने हाथ से जितना भी कर्म हो सके करें, और दूसरा है डीप मेडिटेशन में आप जब तक आपकी वो दशा नहीं आ जाती जहाँ कुछ बुराई और अच्छाई नहीं रह जाती। आपने मुझे देखा, मैं कहीं भी जाती हूँ मुझे ना तो कोई नेगेटिविटी पकड़ती है, ना मुझे कोई भूत पकड़ता है, ना मेरी उंगली पकड़ती है, ना हाथ पकड़ती, हर समय वैसा ही प्रवाह रहता है। अगर आप लोगों को अगर मेरे सर से कुछ गर्मी लगे, इसका मतलब है आप ही के अंदर कुछ ना कोई दोष आ गया। ये इसका सामने आपके सामने उदाहरण, मैं भी आप जैसी ही हूँ ना, लेकिन आपके सामने उदाहरण। इसी तरह से जब आप ही हो जाएंगे कि जिसमें ना तो कोई शैतान रह जाएगा ना कोई बुरा रह जाएगा, जो आपके सामने आएगा वो आपके प्यार में घुलना ही चाहिए और नहीं घुले तो वो भाग जाए, ऐसी चीज दिन दशा आएगी, उस दिन फिर आपको इस प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं रहेगी। और प्रोटेक्शन के बहुत सारे तरीके आप ही लोगों ने ढूंढ के निकाले, उसमें से कुछ तरीके जो हैं आप चाहे तो ये लोग बता सकते हैं आपको, कोई भी यूज करके जो जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं, या आप इनसे पूछ सकते हैं। जैसे फोटो पर लेना, पैर से निकालना, पानी से निकालना, अपने ही को अपना बंधन डालना आदि, नाम डिफरेंट डिफरेंट नाम लेना वगैरह वगैरह, बहुत सारे सब कुछ प्रकार हैं उसके मामले में। आप चाहें तो इन लोगों से अगर बात करें तो ये लोग सब बता सकते हैं। लेकिन रियलाइज आदमी को ध्यान में आते वक्त पहले बैठ करके देखना चाहिए कि माता जी से जो आ रहा है उसमें कहीं हमारी कोई पकड़ है, हमें वाइब्रेशंस आ रहे हैं, अगर वाइब्रेशंस रुक गए तो उसको निकालने से, उसको कैसे निकालना चाहिए, क्या करना चाहिए, शरद भी बता सकते हैं, लोग बता सकते हैं किस तरह से बंद हुए वाइब्रेशन सीखा सकते हैं।
अगर हाथ में थोड़ी सी जलन है तो उसको फूक के कैसे निकालना है, उसको उस वक्त फूक करके निकाल दीजिए, नाम ले लीजिए, फूकने से निकल जाएगा, एकदम ऐसा निकल जाएगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि वहाँ पकड़ते हैं, एटमोसफियर में है, हर जगह है, आप पकड़ते हैं। अभी आपकी दशा वैसी जैसी छोटी सी लड़की खाना बनाना सीख, फिर आप जब इस शास्त्र में निपुण हो जाएंगे तभी आप असली योगी हो गए, क्योंकि कुशलता पूरी आ रही है, परफेक्ट नॉलेज आ जाए, और जब परफेक्ट इसका नॉलेज आ जाता है तो आप ही नॉलेज हो जाते हैं, माने आप कुछ करते कुछ नहीं, वो ऑटोमेटिकली सब मामला अपने आप चलते रहता है। जैसे कि ये अगर परफेक्ट हो जाए और इसमें से मेरी आवाज़ अगर परफेक्ट अंदर जा रही, तो इसको कुछ नहीं करना पड़ता है, कुछ जानना नहीं पड़ता है, सीधे ही सारा की सारा रिकॉर्ड होता है, क्योंकि बोलने वाला और करने वाला और सबको संभालने वाला पालनहार परमात्मा सबके सर पे मंडरा। रियलाइज लोगों को एक बात और भी पता होगी, ये भी बहुत ज़रूरी बात है, जिसको जान लेने से आपको एक तरह की निर्भरता आ सकती है। हर एक रियलाइज आदमी के ऊपर में देवता मंडराते हैं, जैसे किसी भी कहते हैं दुष्ट आदमी के ऊपर में भूत मंडराते हैं, वैसे ही बहुत लालायित हैं सारे देवता लोग उन लोगों की मदद करने के लिए जो रियलाइज है, उनको सुगंध आती है और वो बराबर उनके आसपास मंडराते हैं। आप में से जिन लोगों ने इसका अनुभव लिया होगा, अभी वही बता रही थी उस दिन कि उनके देवर पे बाधा थी, उनसे भूत की बाधा थी, और 3:30 बजे करीब उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और वो लगे चिल्लाने चीखने, बाहर भी आदमी चिल्लाने चीखने लग गया, और उसके बाद में कहने लगे इतनी गंदगी अंदर आई, इतनी बदबू अंदर में आई कि समझ नहीं आप क्या करें। उसके बाद इन लोगों ने नाम लेना शुरू कर दिया और उसको वाइब्रेशन देना शुरू कर दी, और जैसे ही वो ठंडे पड़े वैसे खुशबू आना शुरू हो गई बहुत ज़ोरों में और वो एकदम ठंडे। आपको भी कितनों ही लोगों को ध्यान में पार होने से पहले या बाद में भी बहुत बार सुगंध आती है, तो चैतन्य सुगंध युक्त है, चैतन्य बहुत सुगंध युक्त है और अत्यंत आह्लाददायी है, उसी से आपको सुगंध दिया था। तो जितना कुछ दुर्गंध है वो अपने आप गिर सकता है अगर आप अपनी ध्यान की दशा ठीक है, माने आप अपने को स्थिर करें, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं। आपने देखा आप शरद हैं, हम कहते हैं शरद काफ़ी ऊँचे हैं, मोदी हैं बहुत ऊँचे हैं, ये ऊँचे हैं, देवड़े हैं, चंदू भाई हैं, आदि बहुत सारे लोग हैं, आप जानते हैं श्रॉफ साहब भी आगे चले गए, अपने लाल साहब आगे चले गए, बहुत से लोग आगे चले गए, यानी उनके नाम लो तो मेरे ख्याल से कि अधिकतर सभी लोग आगे चले गए, और तो भी सब लोग पकड़ते ही हैं थोड़ा बहुत, किस चीज़ का नाम लेगा, सभी लोग थोड़ा थोड़ा पकड़ लेते हैं। शरद ने अभी पकड़ लिया था बुरी तरह से, 3 दिन पहले उन्होंने बहुत बुरी तरह से पकड़ लिया था, ठीक है पकड़ लिया तो पकड़ लिया, लेकिन समझ में आ रहा है कि पकड़े हैं, इसकी हालत हो रही है, पकड़ गए ये समझ में आ रहा है, उसको निकाल डालना बहुत आसान है, रियलाइज आदमी के लिए तो बहुत ही आसान, उसको किसी तरह से निकाल डालना चाहिए, वो कैसे निकालना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसकी क्या क्या विधियाँ हैं ये लोग सब जानते हैं, और अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करे करे, उसको समुद्र में खड़े होकर के भी निकाल सकते हैं। बहुत से पहले रियलाइज लोग जाके पानी में बैठ जाते, सच्ची बात, क्योंकि बेचारे इतने परेशान होते थे, उनकी उंगलियाँ जलने लगती, तो यहाँ गगन बावड़ा महाराज हैं, तो वो जब पार हो गए तो उसके बाद वो पानी में बैठे, उनकी उंगलियाँ जो जल करके छोटी छोटी हो गई, उनमें क्यूरेटिव पावर तो आ गए थे, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि उनकी उंगलियाँ क्यों जल जल के छोटी हो गई, उनकी उंगलियाँ जल जल के इसलिए छोटी हो गई क्योंकि आप जानते हैं आपके भी हाथ जलते रहते हैं, अब बेचारों को पता ही नहीं था बम्बई शहर में वह बातें नहीं आती, क्योंकि बम्बई शहर में इतने हाथ जलते थे उनके हाथ बहुत ज़्यादा जलते होंगे, अब उनको पता नहीं था कि किस तरह की कोशिश करो, तो बेचारे जा करके वहाँ बैठ गए, विशाल गड़ा रहे थे, हाँ वहाँ जाके बैठ गए, और वो पानी में बैठे रहते हैं, क्योंकि सर अब आपको तो कोई बताने वाला है, कोई जानकार समझाने वाला है कि हाथ जल रहे हैं, कोई हर्ज नहीं, इस तरह से निकाल डालो अपने हाथ बचाओ, हमारे देवड़े साहब के हाथ 2-4 लोगों से ऐसे बुरी तरह से जले थे कि वो तो किसी किसी को देख के बिल्कुल नर्वस हो जाते हैं, माता जी इनसे कल वो दाढ़ी वाले जो आए थे उनको देखते साथ उनके दोनों हाथ आकाश में घूमने लगे। तो आप इसको सोच लीजिए कि आपको कोई बताने वाला समझाने वाला है कि रियलाइजेशन के बाद कितनी डेंजरस रास्ता, कोई भी आपको पकड़ सकता है, आप बिल्कुल छोटे से बच्चे हैं बिल्कुल, और ऐसे छोटे से बच्चे बहुत जरूरी है कि अपनी स्थिति जो है उसको संभाले रखें। हमारा तो आप पर सबसे हाथ है ही,
हर समय है और हर समय आपका सबका ख्याल बना और अत्यंत प्रेम है सबके, और बड़ा गौरव भी लगता है और बड़ा आनंद भी आता है कि इतने लोग आज मेरे बेटे हैं बच्चे हैं, बड़ी गौरव की बात है माँ के लिए और पा में। लेकिन जो पाया हुआ है वो छोटी छोटी चीज़ों पे मत सोचो। आप लोगों को सबको इसका अनुभव आया है, कभी आप जादव से पूछे जादव आपको बताएं, अभी पाटिल साहब आए वो मुझे बता रहे हैं, इधर लेडीज में है कितनी लोग बता सकते हैं कि कैसे कैसे इनको अनुभव आए, कैसे कैसे ठीक करें, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो उसको तो मैं सॉल्व कर ही सकती हूँ, पर थोड़ा थोड़ा आप भी सीखें, आप भी करें, आप भी सीखें, जाने इस चीज़ को, आप ही डॉक्टर और आप ही दवा, आप ही के हाथ से जाने वाला है, आप ही उसको समझने वाले। उसमें थोड़ी सी कहीं चोट वोट लग भी गई तो माँ बैठी हुई ठीक करने के लिए, कोई चिंता की बात नहीं। ऐसे पहले कहाँ थे लोग, क्योंकि बेचारे अब जो ऐसे लोग पार भी हुए हैं वो तो कहते हैं कहाँ से हम पार हो गए भगवान बचाए। ऐसे ऐसे इसीलिए लोग पहले थे कि पार हो जाते थे तो हाथ में चिंता लेकर बैठते, उनका दोष नहीं था, कोई बेचारा उसको तड़ातड़ मारते थे, कोई अगर जलाने वाला आता था जिसकी तरफ से ऐसी गरम गरम बाफ आती थी तो उसको लेकर चिमटे से मारते थे तो उनको चिमटे वाला बाबा कहते थे। हमने अपने बचपन में देखे ऐसे, मैं देख के हैरान हूँ कि जो आए उसको चिमटे से मारे, जिसको देखो उसको मुझे बड़े प्यार से बुला रहे थे, तो मैंने कभी चिमटे उमटे से मार इसके पास कौन जाए। तो उसकी वजह यह है कि इन लोग को बताने वाला और समझाने वाला कोई था ही नहीं। अब आप इतने लोगों की बीमारियाँ ठीक करते हैं, कैंसर जैसी बीमारियाँ आपने ठीक की, इस तरह की सब बीमारियाँ आप ठीक करते हैं, कितने ही तरह की बाधाओं को आपने हटा दिया है, इतना आपने कार्य किया है। ज़रूरी है कि उसमें आपको कुछ ना कुछ पकड़ेगा ही, लेकिन उसका इलाज उसका भी दवा खाना है, आपका भी दवा खाना है, और आपको बताने वाला भी बैठा है और सब बारीकी समझाने वाला बैठा है, तो डरने की ऐसी कोई बात। फिर भी अगर आप डरे तो इसका मतलब है कि आप आगे जाने का इस जन्म में नहीं। ये तो रियलाइज लोगों की बात हुई, लेकिन एक और बात हमको समझना चाहिए। बहुत से संत साधु ऐसे हैं जो मर चुके हैं लेकिन वो जन्म नहीं ले पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बहुत लोग लेकिन जन्म नहीं ले पा रहे, तो उनको वैसा जीव नहीं मिल रहा है या कुछ और प्रश्न है। तो ऐसे संत साधुओं का भी ऐसा विचार बन रहा है कि हमारे बीच में जो लोग कभी भी रियलाइज नहीं हो सकते, ऐसे बहुत से लोग हैं अपने यहाँ जो कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले कुछ ऐसे कर्म किए हुए हैं, कुछ ऐसे प्लान सेट किया है, कुछ किया है, इस तरह के इसमें फंसे हुए रहे या कुछ ऐसी बात है, तो वो कहते हैं कि हम इनके अंदर आ जाएं। तो आपको उनके अंदर बाधा सी लगेगी लेकिन वो लोग कोई नुकसान वाले नहीं, उनसे लड़ने की ज़रूरत नहीं। ये हालांकि बड़े प्योरिटन लोग जो हैं उनको अजीब सी बात लगेगी, माता जी ऐसी बात कहती है, उनको छेड़ो नहीं, अगर उनको छेड़ोगे तो ये हो जाएगा कि उनके अंदर भूत भी घुस सकते हैं, क्योंकि अंदर भूत तो घुसे ही हुए हैं, भूत नहीं होंगे तो संत आ जाए, संत आने से अपना कार्य हो। इसलिए बहुत से लोगों से संत भी उनकी बड़ी इच्छा है, उन्होंने ऐसे कहा है मुझसे कि हम चाहते हैं कि हम अपने को लाएं, लेकिन अब हम छोटे बच्चे के रूप में आए तो तुम्हें कैसी मदद होगी, इसलिए बेहतर है कि ऐसे लोग जो तुम्हारे इसमें आते हैं और जो पार होने की हमें खास दिखाई नहीं देता, ऐसे बहुत से लोग, वो लोग अगर पार भी नहीं हो रहे हैं तो भी आपको उनसे मिलने की ज़रूरत है, पर वो आते रहेंगे हमेशा से, वो 4 साल आएंगे नहीं 6 साल आएंगे, वो 10 साल भी आएंगे, कोई नहीं उनसे भिड़ना, आ रहे हैं बैठने दो, आपको मालूम है पार नहीं है, जो एक बार पार हो गया वो तो पार होता रहेगा, लेकिन जो हुआ ही नहीं पार और डावाडोल चल रहा है उससे भिड़ने की ज़रूरत है। याद आपको मैं एक सीक्रेट बात, उन पर भी संत ही लोग काम करते, क्योंकि बगैर उससे काम नहीं बन रहा, भूत बाधा जो है उसको भगाने के लिए संत ही लोग काम करेंगे, क्योंकि आप लोगों को तो वो दिखाई नहीं देता, आप तो उस परलोक में तो जा नहीं सकते, तो उन्हीं को ये कार्य करने दीजिए। तो वो लोग कहते हैं कि हम आकर के इससे कार्यान्वित रहेंगे और आपके कार्य को हम बढ़ाएंगे, वो आप तो किसी को ठीक नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पर वो इस तरह का कार्य करेंगे कि वो दूसरों के साथ में जैसे ऐसे लोग हैं वो ज़्यादा भाषा प्रवण होंगे, वो बोलेंगे अच्छा, लोगों को खींच करके लाएंगे, बहुत से और लोगों को लाएंगे जिनको आना। ऐसे हमारे पास में एक साहब थे, उन्होंने हमारे ऊपर आर्टिकल भी लिखा था, पर वो कुछ ज़्यादा ही बिचकाए गए तो वो भाग गए, उनको कभी पार नहीं होने वाले, उन पर एक आ गए, उन्होंने कहा कि चलो लिखो इनके ऊपर, तो वो लिखने लगे हमारे ऊपर, फिर उसके बाद में वो ज़रा कुछ बेचारे चक्कर में फंस गए कि वहाँ पर दूसरा ही रंग चल गया तो वो उसी में फंस। तो ऐसे लोगों को बचाना चाहिए, उनको संतों ही के साथ रखो, कम से कम सदाचार में रहेंगे
और अपने यहाँ आने से उनके ऊपर कभी भूत बाधा नहीं आएगी, उनको शारीरिक पीड़ा नहीं होगी, उनको मानसिक पीड़ा नहीं होगी, उनकी बुद्धि सरल है, क्योंकि संत किसी को सताते हैं, इसलिए उनके अंदर संत ही लोग आए। लेकिन जो महंत है वो भी आपके ऊपर मंडरा रहे हैं, वो आपकी मदद, वो भी आपकी मदद कर रहे हैं, वो आपको बहुत सारी बातों से बचाएंगे और आपको समझ, आपके शारीरिक मानसिक बौद्धिक प्रोटेक्शन रहेगा, आपके संसार की जो काम है उसको देखेगा, आपके घर द्वार का जो काम है वो देखेगा, आपके बाल बच्चों को संभालेंगे, ये सब वो लोग करेंगे। लेकिन आप लोग अपने को पूरी तरह से परमात्मा में समझ, बहुत बड़ी आप पे जिम्मेदारी है। आज मैं चाह रही थी कि अगर किसी को कोई प्रश्न हो, उस डिस्कशन करना हो तो वो करें। दूसरे स्टाफ साहब ने मुझे बहुत अच्छे और आप लोग बागीचे में जैसे गार्डनर होते हैं उस तरह से, आपको इस बागीचे को कैसे आपको इस बागीचे में कैसे रखना है, उसको किस तरह से ठीक लगाना है, कैसे चलाना है, वो सब आपको सोचना, वो आप सोच करके आप उसका बताएं कि कैसे। उन्होंने एक जो बात कही वो ठीक है, वो कह रहे थे कि अगर हम लोगों ने रियलाइजेशन दिया और उसके बाद हमने फॉलोअप नहीं किया तो रियलाइजेशन हो जाए, ये बात है। अगर हम लोगों ने अपने जो रियलाइजेशन की जो देने पर भी उसको अगर हमने फॉलोअप नहीं किया, उनको प्रोटेक्ट नहीं किया, उनको आगे हम बढ़ाते नहीं रहे, उनका हमने ख्याल नहीं किया, तो हो सकता है कि उनका जो रियलाइजेशन है वो खो सकता है और फिर बहुत देर बाद जागेगा जब तक उनको परेशानी रहे। इसे सबको इसमें समेटे रहना है और सबको हर महीने एक बार को भी मिलना चाहिए, हर एक रियलाइज आदमी को हर महीने एक बार को भी मिलना चाहिए। वो ऐसा आप बना लीजिए कि हर महीने में एक बार सबके पास में सीखी जाए, या कोई ऐसा न्यूज़पेपर बना लीजिए कि जिसको सब लोग पढ़ते हों उसमें एक महीने के लिए वहाँ पर दिया जाए, जहाँ पैसा न लगे। पैसा आप लोग कहीं भी मत और ना किसी से आप पैसा, पैसे के मामले में पढ़िए। आश्रम भी बनाने के लिए जो गवर्नमेंट ज़मीन भी देगी उसमें भी कभी इस तरह से विचार ना करें कि अब उसमें आप सब्जी लगाइए फिर आप सब्जी बेच रहे हैं, ये सब धंधे करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम लोगों को पैसा नहीं कमाना है। आज आपने पढ़ा होगा कि वो चेयरमैन स्टेट बैंक का क्या हाल होगा, वो आश्रम में गए 90 लाख उसको दिया, 20 लाख उसको दिया, वहाँ फर्नीचर बन रहा, फर्नीचर बनाने का क्या, आश्रम में काम करने का होता, अक्कल लगाइए आप, मेहरबानी से अपने इसमें फर्नीचर बनाकर उसको बेचिएगा नहीं तो कल देखिएगा जमा सारे पीछे लोग फर्नीचर बना रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ पे आपको मना आया तो आप गार्डनिंग करना, नहीं तो गार्डनर रख लेना, ये सब काम करने के लिए बहुत से लोग, आप लोग कोई विशेष काम के लिए आप ध्यान में और चैतन्य पे और दूसरों के दुख दूर करने में, उनको चैतन्य देने में, उनको जागृति देने में, उनको पार कराने में सहलत है। और पैसा जहाँ तक है दूर, पैसे के मामले में बिल्कुल आप लोग मत कि पैसा और वो पैसे का इंतजाम होना चाहिए और इतना इतना रुपया लो और उसका हिसाब किताब लोग, कोई चैतन्य का और पैसे का हिसाब किताब आपने जोड़ दिया तो आप पकड़ जाएंगे हमेशा। इसलिए पैसा और परमात्मा इसका बिल्कुल कोई संबंध, कोई आपको मुफ्त में जगह देता है भले, नहीं देता बात सब परमात्मा की जगह। आप अगर कहीं बैठे हुए हैं किसी ने आपको जगह दे दी तो परमात्मा का आदमी था उसे दे, नहीं जी नहीं जी भला, जगह से कोई भी मनुष्य परमात्मा नहीं। आश्रम बहुत से बने हुए हैं, आज आपने को आश्रम नहीं बना इसे उधर कोई भी दृष्टि न लगे, मेहरबानी से अपनी दृष्टि उधर न लगाएं कि आश्रम में हम ये करेंगे वो करेंगे और आश्रम में हम बिजनेस करेंगे, मैं ये चीज़ कभी चलने नहीं दूंगी। और जब मैं देखूंगी कि आप लोग इस धंधे में फंसे हैं तो मेरे बस का आप लोग नहीं, फिर मैं आपको बिल्कुल छोड़ बिजनेस आपको बिल्कुल नहीं करना है, किसी भी तरह पैसा भी आपको इकट्ठा नहीं करना किसी भी तरह कोई सी भी चीज़ चाहिए। एक साहब थे वो मुझसे कह लगे कि मैं आपको फोटो भेजूंगा, फिर उनका मैं उसके आश्रम को पैसे, मैंने कहा कौन सा आश्रम किसको पैसे दे, किसने कहा ये ऊपर भी आप तुमसे किस इसकी कोई आपको चिंता करने की, करने वाला अपने को संभालने वाला वो है, हम अपना काम थोड़ी करें उसका काम करें, उसको देना हो देनी नहीं देना हो नहीं। और वही काम जो रात दिन हम गोबर खाने का करते हैं वो इसे आकर के भी करने का है तो कोई फायदा नहीं। मुझे इस तरह का सुझाव कोई भी ना दे क्योंकि दो चार ने दिया है इसलिए मुझे बड़ा जी घबरा था, मेहरबानी से मुझे इस तरह के सुझाव को मैं सुनने वाली नहीं, ऐसे तो मैं सीधी हूँ और बोली भी हूँ लेकिन ऐसी बड़ी चलाक हूँ, इस चक्कर में मैं आने वाली नहीं। आपको पहले ही मैं बता देती कि पैसे के चक्करबाजी में आपने अगर मुझे चला है तो मैं उसमें चलने वाली नहीं, चाहे तो आप लोग पार हो चाहे नहीं हो मेरा इससे कोई मतलब, पहले समझ लेना चाहिए कि पैसे का और इसका कोई भी संबंध कहीं भी किसी जगह भी नहीं।
दूसरी चीज राजकारण से इसका संबंध नहीं। अभी आपको ऐसा भी लोग आएंगे कि चलो तुम इलेक्शन में खड़े हो जाओ, तुम्हारा इतना फॉलोइंग, आपको राजकारण में जाना तो आप राजकारण में जाए, लेकिन राजकारण मनुष्य ने बनाया, परमात्मा ने बनाया, जो परमात्मा की चीज है उसमें जब खड़ा होना तो इसका राजकारण से और सत्ता से कोई भी संबंध नहीं। ये पहली बात आती और इसका कोई भी पदवी से संबंध नहीं है। कल आप ये सोचें साहब हम बड़े बारी ट्रस्टी हैं, यदि सब यहाँ तो दो ही चार हैं बेचारे अभी, लेकिन कोई अपने को सोचे कि मैं बड़ा बारी है इसका सेक्रेटरी हूँ समझ लीजिए, या मैं इसका चेयरमैन हूँ, मैं कल सोचूँ मैं चेयरमैन हूँ, तो इसमें चेयर वेयर का कोई भी संबंध नहीं है और ना इसका कोई आसन है ना पीठ है। पहली बात समझ, आपस में करने की बात है, ना इसका कोई पीठ है ना इसका आसन है। सुना तुम या सगे लोग पीठ भी काई काढ़ा सुना है लगा, कोई पीठ निकालने का नहीं, नहीं तो आदि शंकराचार्य की गादी पर कौन बैठे हैं जो बिल्कुल नॉन रियलाइज हो रहे हैं, नथिंग भी, कोई गादी पर किसी के नहीं बैठने वाला, सब अपनी ही गादी पर बैठे। दूसरे की गादी पर बैठने से हमेशा आपको निकालने का डर रहता है, अपनी अपनी गादी पर सब लोग बैठेंगे और अपनी गादी से अपने पे ही राज करेंगे तो बहुत कुछ। तो दो चार चीजों को बिल्कुल गांठ बांध जाते हैं। तीसरी चीज सच्चरित्र सदाचार और शुद्धता, इसके बगैर आप कुछ भी इस मार्ग में जाने। अगर आपके अंदर कोई ऐसी ऐसी आते हैं उसको आपको छोड़ने का प्रयत्न करना ही होगा, मेरे पांव की कसम लेकर। असल में बात यह है कि अब आपके अंदर शक्ति है वो छोड़ने। जैसे हिंदुस्तानियों की खास आदतें ये हैं आपस में बुराई करना, अब आप प्रेम में बंधे हुए हैं, हम लोग सब भाई बहन हैं, आपस में अगर किसी में कुछ हो भी गया, हो सकता है कोई किसी का पैर डिग भी जाए, तो जरूरी नहीं कि उसको जाकर सारे संसार में आप बदनाम करते थे, मुझे आकर आप बताए उस चीज को हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन जान दे करके भी अपने भाइयों को बचाने की आप पे पूर्ण जिम्मेदारी, भाइयों पर और बहन। उसके लिए कुछ भी करना पड़े हमें उसको बचाना पड़ेगा, मतलब मॉरली, इसका मेरा मतलब नहीं आप उस किसी को पैसा दे फिर वही आता, आप किसी को पैसा उधार नहीं दे तो अगर आपसे पैसा उधार मांगता है बिल्कुल एक कौड़ी मांग, बिल्कुल देने की जरूरत है, इसमें पैसा उधार देने की जरूरत नहीं। कर कोई आदमी अपने स्पिरिचुअल लाइफ में कुंडलिनी में उसका पतन हो रहा हो या उसको किसी तरह से गिर रहा हो, उसकी कोई आदत पड़ गई, उसकी सबको मिलकर मदद करनी चाहिए, उससे चक्र चलाओ अपने प्यार। पवित्रता पूरी हमारे अंदर जब तक नहीं आएगी तब तक हमारा कार्य बिल्कुल अधूरा रहे। आपको यह पता होना चाहिए कि सारी दुनिया की दृष्टि आप ये लगा करके आप उसकी दिवाली सजा लें। लोगों की दृष्टि घर पे नहीं होती, उस दियों पर होते हैं जो जल से। आप हरेक के जीवन की और संसार की दृष्टि है कि आखिर ये जो बड़े पार हो गए हैं और दुनिया भर की बीमारियां ठीक करें, इनका जीवन कैसे। इसकी बुराई कर, इसकी बुराई कर, हालांकि अभी तक तो मैंने ऐसे देखा नहीं, अभी तक तो इतनी बुराई नहीं आई है, लेकिन हो सकता है कोई बात हो हम क्या कर देखें, सब में कमियां हैं, अब भी कोई परफेक्ट तो हुआ नहीं, इसलिए जो कुछ भी जिसमें कमी है, जो कुछ भी है मुझे आके बताएं, उसका इलाज मैं खुद ही बैठे बिठाए कर दूँ। और अपने में जो कमी है वो किसी को कहने में शर्माएं, सब अपने भाई बने, वैसे आप कह देंगे मेरा ये पकड़ा है वैसे ही वो साफ हो सकता है, अगर आप नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं, आप जानते सबका ही पकड़ता है, सब कोई होता है, आपस में सभी डॉक्टर है, डॉक्टर लोग आपस में फ्री आपस में इलाज करते हैं, इसलिए आपका सबका इलाज फ्री हो सकता है। भाईचारा आना चाहिए और अत्यंत पवित्र जीवन की ओर अपनी दृष्टि रखनी चाहिए। बैठिए, तो पवित्रता बहुत जरूरी है, उसके बगैर कार्य इसका बन नहीं सकता। पहले अगर पवित्रता की मैं बात करती ना तो वही परवर्जन की बात आ जाती, कि एक तरह से आप एक चीज छोड़ने जाते तो दूसरी चीज पकड़ लेते, दूसरी चीज छोड़ने जाते तो तीसरी चीज पकड़ लेते, लेकिन रियलाइजेशन के बाद ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। रियलाइजेशन के बाद में जो यहाँ पे चेक कर दिया ना, उसके कारण हर एक चीज यहाँ से निकल जाएगी।